भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल को उनके एक बयान के चलते खूब खरी खोटी सुनाई। कामरान अकमल ने भी अपने बयान पर माफी मांगी है और अफसोस जताया है। आइए आपको ये पूरा मामला बताते हैं। दरअसल रविवार देर रात जब T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तब एक पाकिस्तानी चैनल के स्टूडियो में बैठे कामरान अकमल ने ऐसी बात कही जिससे हरभजन सिंह नाराज हो गए। पाकिस्तान की पारी का जब आखिरी ओवर शुरू होने वाला था और भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह बॉलिंग डालने आने वाले थे, तब कामरान अकमल ने कहा कि आखिरी ओवर तो अर्शदीप सिंह ने करना है, वो ऐसी लय में भी नजर नहीं आ रहे, 12 बज गए हैं। ये बात बोलकर कामरान अकमल हंसने लगे। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसके बाद हरभजन सिंह ने एक्स पर लिखा कि लख दी लानत तेरे कामरान अकमल, अपना मुंह खोलने से पहले तुम्हें सिखों का इतिहास जानना चाहिए। हम सिखों ने आपकी माताओं और बहनों को आक्रमणकारियों से बचाया था, तब 12 ही बज रहे थे। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आपको आभार मानना चाहिए। इसके बाद कामरान अकमल को भी अपनी गलत बयानी का एहसास हुआ और उन्होंने हरभजन सिंह और सिख समुदाय से माफी मांगते हुए लिखा, मैं अपने हालिया कमेंट पर गहरा अफसोस जाहिर करता हूं और हरभजन सिंह और सिख समुदाय से माफी मांगता हूं। मेरे शब्द अनुचित और अपमानजनक थे। मैं दुनिया भर के सिखों का बहुत सम्मान करता हूं और मेरा इरादा कभी किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं वाकई माफी मांगता हूं। भारत पाकिस्तान मैच की बात करें तो अमेरिका में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप के एक मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया था। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 18 रन की जरूरत थी, लेकिन अर्शदीप के ओवर में पाकिस्तान 11 रन ही बना पाया।